हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो 7th क्लास का हिंदी का बुक है उसका जो चौथा चैप्टर है, दूसरे भाग का, सोनू हाथी, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से, जितना भी हम ये होगा इसके अंदर कठिनाई होगी, वो सब चीजों को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके। और इसके जो राइटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके राइटर यहाँ पे दिए हैं उमाकांत खुबालकर। और इनके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल दी गई है उनके बारे में, उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। साथ में यहाँ पे उनका परिचय दिया गया है कि वो किस तरीके के व्यक्ति थे, वो किस तरीके से साहित्य लिखा करते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। और साथ में यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे पाठ के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ी जानकारी दी गई है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो पाठ है उसको स्टार्ट करें, उससे पहले यहाँ पे हम लोग पाठ के थोड़े वर्णन कर लेते हैं कि पाठ में एक्चुअली आप लोग को सीखना क्या है। तो यहाँ पे एक ऐसे हाथी के बारे में कहा गया है जो बहुत ही दयावान है, दयालु है, तो उसके बारे में ही यहाँ वर्णन किया गया है। और आप लोग बहुत ऐसे छोटी सी एज में हो, तो आप लोग अगर इस एज में ये सारी चीजें अगर सीखते हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और इससे आपको बहुत सारी चीजें है वो सीखने को मिलती है। ओके बच्चे लोग, तो आप सभी इस कहानी को बहुत अच्छे से सुनना। ओके। तो यहाँ पे जंगल में लकड़हारा पेड़ काट रहा था, कुल्हाड़ी के वहार से पेड़ लकड़हारे भाई मुझे मत काटो, मैं आप सबके काम आने वाला हूँ, विश्वास, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं। यानी जो लकड़हारा था उसका नाम विश्वास था। तुम्हारी लकड़ी काटकर बाजार में बेचूं चलेगा बच्चों चलेगा बच्चों चलेगा बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता। पेड़ भयभीत होकर, नहीं नहीं रुक जाओ भाई, क्या पूरा काट डालोगे मुझे, मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। विश्वास, उफ, ओ बेटे का नाम ले लिया, मैं तुम्हें नहीं काट सकता, आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। पेड़ कहता है, तुम में इंसानियत दिखाई, चलो इंसानियत की इस बात पर तुम्हें एक अनोखा उपहार देता हूँ। विश्वास खुश हो गया, खुश होकर कहते हैं, न अंधे को आंख और भूखे को कान है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पेड़ कहता है, पार्श्व में नन्हे हाथी के चिंघाड़ने का स्वर गूंजता है, ये नन्हे हाथी अपने परिवार से बिछड़ गया है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, यह बीमार है बेचारा, 8 दिनों से भूखा है। विश्वास कहता है, चौंक कर क्या कहा, इसको अपने साथ ले जाओ, यहाँ तो अपने रहने का ठोर ठिकाना नहीं है, इसे कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा, और डॉक्टर को पैसे कहाँ से दूंगा। फिर पेड़ कहता है, मेरी बात मानकर इसे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम अवश्य आएगा। विश्वास कहता है, ये कैसी सौदेबाजी है, घर ले जाकर इसका क्या अचार डालूंगा। तो इस बात पे पेड़ कहता है, भाई मैं कई जगह से कटा हुआ हूं, अब आधी तूफान में कैसे बचूंगा, इसे अपने पास नहीं रख सकता, क्या यह तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता, क्या इसे तुम्हारा प्यार नहीं पा सकता। विश्वास कहता है, ठीक कहते हो, तुम्हें काटकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब दोबारा ये काम नहीं करूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, आज मैं इसे सोनू कहूंगा, इसे देखकर बच्चे खुश होंगे। ओके। तो पहले दृश्य में यह बताया गया है कि किस तरीके से एक लकड़हारा जो पेड़ काटता है, पेड़ की बातें सुनकर वो लकड़ा अपनी अपनी गलती को मानता है कि पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए। ओके। और असली में पेड़ों को, बच्चे लोग, आप जितना ज्यादा संरक्षण दे सकते हो, जितने ज्यादा आप पेड़ लगा सकते हो, आपके पर्यावरण के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। तो इसके लिए आपको पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है तो आप उन्हें समझाएं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों के उपयोग के बारे में बताएं, और पेड़ नहीं होंगे तो इससे क्या क्या समस्याएं होगी, ये सारी चीजें आप उन्हें बताएं। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा दृश्य शुरू होता है, दूसरा भाग, घर के आंगन में नन्ना हाथी और विश्वास खड़े हैं, सोनू स्वभाववश चिंघाड़ता है, सुमित्रा दरवाजा खोलकर बाहर आती है, पति के साथ नन्हे हाथों को देखकर चौंक पड़ती है। ओके। उसके बाद विश्वास कहता है सोनू से, सोनू ये तुम्हारी माता जी है, सुमित्रा झल्लाते हुए, ये क्या देख रही हूँ, घर में नहीं तो दाने अम्मा चनी भुनाने, किसको पकड़ लाए हो, घर के दो बच्चे हैं, उनकी चिंता नहीं है तुम्हें, इसको भी ले आए, कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे। विश्वास कहता है, कुछ भी कह देती हो, अब लौटा नहीं सकता, अपने हिस्से की आधी रोटी खिलाऊंगा इसे। दृश्य तीसरा, सोनू के चिंघाड़ने का स्वर उभरता है, विश्वास को बीमार और दुखी पाकर खूंटा तोड़कर घर के अंदर आने का प्रयास करता है। विश्वास खुशी से, आजा मेरे लाडले, मैं तेरे पास आते ही कलेजे से छटक पहुंच रही है, मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ
नहीं कर पा रहा हूँ। सुमित्रा गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें इसे घर में नहीं रहने दूंगी। उसके बाद विश्वास कहता है कि ऐसा मत करो, देखती नहीं ये कितना समझदार हो गया है, मुझे बीमार देखकर मेरे पास दौड़ा चला आया, अब तो बच्चे भी इसे पसंद करने लगे हैं। सुमित्रा कहती है खिसकती हुई, मैं इसकी दुश्मन थोड़ी ही हूँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि इसे भी अपने साथ भूखा रहना पड़ रहा है, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ से दाना पानी जुटाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुमित्रा की बहुत सारी जो टेंशन है वो बताती है। फिर विश्वास कहता है, यही तो जिंदगी है भगवान, इंसान को खूब लड़ना पड़ता है। चल बेटा सोनू बाहर चले, तुझे कुछ खिला पिला कर लाता हूँ, तेरे लिए दवा ले आता हूँ। सुमित्रा कहती है, नहीं मैं तुम्हें इस बीमार हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं ही सोनू को खिलाती पिलाती हूँ। विश्वास कहता है, कुछ सोचकर सुना है पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, सोनू को भी साथ ले जाऊंगा, गांव वाले इसे केले और गन्ने खिलाएंगे। सोनू विश्वास की बात समझकर स्वीकृति से सिर हिलाता है। फिर सुमित्रा कहती है, मैं भी चलूंगी, साथ में बच्चे भी चलेंगे। वो सोनू के गले लिपट जाती है। बड़ा बेटा, पिताजी सोनू के ठीक हो जाने पर हम उसे उसकी असली जगह जंगल में छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको इस कहानी से बच्चे लोग क्या समझ में आता है ये आप थोड़ा सोचो। ओके, तो इससे देखो एक सिंपल सा आपको एक कहानी बताया गया है कि किस तरीके से एक हाथी का जो बच्चा होता है वो जंगल में बिछड़ जाता है, वो जो विश्वास है उसको अपने घर लेके आता है, वो घर पे उसके खाने पीने को नहीं रहता है, उसके पास सारी चीजें नहीं होती, फिर भी वो लोग ये करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ये नहीं कि सोनू को वो लोग छोड़ देते हैं, सोनू हाथी को। ठीक है, तो इससे ये सीख मिलता है कि हमें कभी कभी मुसीबत में होके भी दूसरों की मुसीबत का सहारा बनना चाहिए। ओके, तो ऐसी आप बच्चे लोग को मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास जो मुसीबत है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे भी कोई बहुत बड़ी तकलीफ में रहता है और आप सोचो कि वो बेजुबान जो जानवर है हाथी है उसकी मदद करके वो लोग को कितना अच्छा लग रहा है। वो उसको पहले ना पसंद करते हैं लेकिन बाद में जब वो घर पे घुल मिल जाता है, बच्चों को पसंद आता है, बाद में सुमित्रा भी उसे पसंद करने लगती है और इस तरीके से उनका ये जो पूरा परिवार है हाथी को मिला के वो हंसी खुशी रहने लगता है। ओके, और ये सारी चीजें यहाँ पे वो दर्शाई गई है कि आपको भी अपने लाइफ में अपने जीवन में इसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सोनू हाथी वाला जो एक कहानी है, छोटा सा बाल साहित्य है, वो यहाँ पे खत्म होता है। और बच्चे लोग अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।